ये मंदिर के ये इसरदा स्टेशन के इधर पास में ये हनुमान वाटिका एक पार्क बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये इसरदा स्टेशन पड़ता है, जैसे जयपुर से आप ये स्वामाधोपुर रेलवे लाइन पे होके गुजरोगे तो आपको ये बीच में इसरदा स्टेशन मिलेगा। यहाँ एक प्राचीन ये कुआ भी आपको नज़र आ रहा। तो अब तो ये कुएं बावड़ी वगैरह सब सूख चुके, आप देख सकते हो ये कुआ, इसमें इधर थोड़ा ऐसे ही है। तो ये कुआ अभी बंद ही पड़ा है। तो ये देखते हैं हनुमान ये वाटिका है, ये एक तरह से ये मंदिर की, अब ये इस ये हनुमान वाटिका की ये पार्क में हम अंदर तक चलते हैं, वो देखते हैं, ये अवलोकन करते हैं, आपको भी अवलोकन कराते हैं। ये पेड़ पौधे, तो ये प्रकृति के बीच में अगर आदमी रहे तो बीमार भी कम पड़ेगा और उसको शुद्ध वायु भी मिलेगी। तो थोड़ी देर या थोड़ा टाइम तक प्रकृति के बीच में ज़रूर ही रहना चाहिए। तो हम देखते हैं ये भी और एक हमको एक बहुत ही जो बचपन की आपकी भी बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। ये पढ़ते टाइम जो विद्या जैसे हम किताबों में भी रखते थे, ये इस तरह की ये विद्या का पेड़ है। तो इस तरह की ये विद्या का पेड़ है। तो इसको बच्चे लोग हम जैसे छोटे थे उस टाइम काफ़ी ये किताबों में रखते थे कि इसको रखने से थोड़ा सा शुभ है विद्यार्थियों के लिए। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो ये विद्या का पेड़ है। तो इसको हमने आपको अवलोकन और भी ये करा देते हैं। ये भी वृक्ष हैं, तो इसमें बहुत प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण है ये दृश्य। और ये दृश्य महानगरों में इनमें ऐसे दृश्य आपको मिलेंगे नहीं। ये फूल भी हैं, इसमें ये फूल लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो इनके ये इस पेड़ पे फूल भी आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा। तो हमने आपको ये इसरदा स्टेशन के बिल्कुल ही पास है, तो आप भी कभी इधर आना हो तो इस मंदिर और पार्क का ज़रूर ये आप आए। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ ये भैरू जी की भी पार्क की हनुमान वाटिका के अंदर भैरू जी की भी स्थान है। तो यहाँ भी भक्तजन ये पूजा अर्चना वगैरह अगरबत्ती वगैरह ये लगाते हैं और अपनी जो मनोकामनाएं वो मांगते हैं। तो और उनकी मनोकामना भक्तजनों की सच्चे मन से अगर करते हैं तो पूरी भी होती है। उम्मीद है आपको ये हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान, बजरंगबली।